नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया किचन व्लॉग। तो अगर आप भी घर पर पिज्ज़ा बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना और घर पर आप आसानी से पिज्ज़ा है वो कैसे बना सकते हैं ये आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये जो पिज्ज़ा है वो घर पर आप आसानी से बना सकते हो, मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा 200 ग्राम के करीब और साथ में मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच लिया है इनो, साथ में मैंने लिया आधा छोटा चम्मच चीनी और ये मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच घी। और साथ में मैंने लिया है दो बड़े चम्मच है वो छाछ लिए, खट्टी छाछ होनी चाहिए। अब इसका हम सॉफ्ट आटा है वो तैयार करेंगे। यहाँ पर जो पिज्ज़ा है वो मैं आटे का बना रही हूँ ना कि मैदे का बना रही हूँ। तो आटा में सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है और फिर उसके बाद इसको हम ढक के 10 मिनट तक रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये फूल जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, इनो है, डाली है। तो इसको मैं अब ढक के 10 मिनट तक रख देती हूँ और इसको हमें बनाएंगे इसका हम दो पिज्ज़ा। तो ये देखिए आटा हमारा फूल के अच्छी तरीके से तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा हाथों में घी लगा के और चिकना स्मूथ है वो कर लेती हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस तरीके से इसके मैंने दो बना लिए हैं बोल और ये देख सकते हो आप, मैंने बड़ी बड़ी बोल है इसके आटे की है वो बना ली है। अब इसको मैं चकले के ऊपर रख के इसको बेल लेती हूँ। इसको हमें रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, जैसे बाजरे की रोटी होती है उतना हमें इसको मोटा बेलना है। साइड में मैंने गैस के ऊपर रख दिया है तोवा गर्म होने के लिए। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर तोवे के ऊपर बना लेती हूँ। अब ये ले लिया मैंने फोक और इसके अंदर इस तरीके से इसके छेद कर देते हैं ताकि ये फूले नहीं। अब इसको हमने जहाँ से छेद किए हैं इसके उस तरफ से हम इसको सेक लेते हैं थोड़ा सा घी डाल के 2-3 मिनट तक। केवल एक साइड से ही सेकना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जिस तरफ से हमने सेक ली है उसी तरफ से इसको हम इसके ऊपर स्टेपिंग लगानी है, क्योंकि दूसरी साइड से तो हमें बाद में सेकना है। तो ये जो पिज्ज़ा है वो हमारा बेस बन के तैयार है। दूसरी तब मैं रख देती हूँ दूसरा पिज्ज़ा बनने के लिए और ये थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज्ज़ा सॉस। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर है और नमक थोड़ा सा ऐड और कर लिया है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो। उसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चीज़। ये मैंने चीज़ ली है जो मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने डाल दी है चीज़ और अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर जो मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट करके रखे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने चीज़ डाल दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दिया था। देखिए पिज्ज़ा बन के हमारा तैयार है। अब इसको हम रख देंगे तवे के ऊपर, तवा हमारा गर्म है। तवे के ऊपर थोड़ा सा हमें लगा लेना है घी और इसको ढक के हम 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा पिज्ज़ा है वो कैसे बना है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है, 10 मिनट बाद ये देखिए पिज़्ज़ा एकदम से बन के हमारा तैयार है। बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बन के हमारा तैयार हुआ है। अगर आप भी पिज़्ज़ा बनाने की सोच रहे हैं घर पर तो कुछ ही सामान में और कम टाइम में इसी तरीके से आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो दूसरी ओर मैं रख देती हूँ मेरा दूसरा पिज़्ज़ा बनने के लिए। एक पिज़्ज़ा मेरा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए 10 मिनट तक इसको भी मैं पका लेती हूँ और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पिज्ज़ा बनके हमारा कैसा तैयार है। तो ये देखिए फाइनली पिज़्ज़ा हमारे दोनों बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप घर पर पिज़्ज़ा बना सकते हैं, मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ये लगभग 200-250 रुपये में मिलता है, लेकिन आप घर पर इसको थोड़े से सामान में ही बना सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा। तो आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की जो रेसिपी है वो आपकी कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।